ओके सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज एसे वन का चैप्टर 5 देखेंगे. सो क्या चैप्टर है? चैप्टर का नाम है चैप्टर 5, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्रिएटिंग व्यूइंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स, राइट. सो आज का जो सेशन है वो टेक्स्ट फाइल के ऊपर बेस रहेगा. इसमें हम परफॉर्म करके देखेंगे किस तरह से हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है इन रेड हैट 8 में, एंड देन कैसे उन फाइल्स के अंदर जो कंटेंट है उसे कैसे देखेंगे एडिटर के थ्रू, एंड देन अगर हमें उनको एडिट करना है तो वो कैसे देखेंगे, राइट. सो सबसे पहले जो हम यहाँ पे एडिटर यूज़ करने वाले हैं, सो उस एडिटर का नाम है विम एडिटर. विम एडिटर. सो बेसिकली वी आई का फुल फॉर्म क्या है? वी आई इम्प्रूव्ड. आप लोग वी आई एडिटर से अवेयर रहेंगे, हम पहले वी आई एडिटर यूज़ करते थे, अब हम विम एडिटर यूज़ करते हैं. सो विम एडिटर क्या है? विम एक फ्री एंड ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है. ओके सो ये रिलीज हुआ था 1991 में. ओके सो बेसिकली इस एडिटर का मोटिव क्या है? अगर विम था, वी आई था एडिटर हमारे पास पहले से, तो इसका मोटिव क्या था? सो बेसिकली इसका मोटिव ये था, ये वी आई का इन्हांस्ड वर्जन है. ओके सो जो वी आई था वो 1976 में रिलीज़ हुआ था, एंड ये हमारा जो विम एडिटर है ये रिलीज़ हुआ था 1991 में. ओके सो अगर आपने कहीं जगह बहुत जगह पढ़ा रहेगा, इसको हम क्लोन वी आई एडिटर भी बोलते हैं, और इसमें जो सब कमांड्स है ऑलमोस्ट वी आई की तरह ही सब कमांड्स हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट अगर आप इसके कमांड्स देखेंगे, मोड्स देखेंगे, वो सब वी आई की तरह ही हैं. ओके बट ये विम जो है वो ओरिजिनल वी आई एडिटर के ऊपर ही बेस्ड है. सो ये था इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली वी आई है क्या. ओके सो जो हम आज का जो सेशन है वहाँ पे हम मोस्टली कौन से लैब्स देखेंगे, सो मैं उसका ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा. सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी हाउ टू स्टार्ट द विम, अगर विम को स्टार्ट करना तो कैसे करेंगे, राइट. सो सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली विम के मोड्स हैं, सो कौन कौन से मोड्स हैं वो भी हम बताएंगे आपको आज. ओके उसके बाद कौन कौन से मतलब कैसे हम फाइल्स को क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू फाइल है ना, इसके थ्रू हम एग्जिस्टिंग फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है. देन वी विल सी हाउ टू व्यू द फाइल, राइट, व्यू फाइल. ओके सो लास्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उन्हें हम किस तरह से एडिट करेंगे. सो वी विल सी एडिट एग्जिस्टिंग फाइल्स. सो बेसिकली ये हमारा आज का एजेंडा है. जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको ऑलरेडी दी दिया है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो वी शुड नाउ मूव टू द लैब सेशन कि किस तरह से विम को स्टार्ट करना है एंड ऑल दैट. ओके सो सबसे पहले तो विम को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली स्क्रीन पे विम लिखते हो तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन मिलता है, राइट. सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिला है कि विम वी आई इम्प्रूव्ड एंड उसका वर्जन दिया हुआ है दैट इज 8.0.1763 मॉडिफाइड बाय ब्रैम मुलेनियर ईटी ऑल, एंड यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि इट इज़ अ ओपन सोर्स एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल. ओके स्पॉन्सर विम डेवलपमेंट. ओके उसके बाद आपको हेल्प का है ऑप्शन, अगर आप हेल्प चाहते हैं वो ले सकते हैं. देन टाइप क्यू टू एंटर हेल्प एंटर करेंगे. ओके सो इस तरह से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई है. ओके सो ये था आपको विम का स्टार्ट, किस तरह से आप विम स्टार्ट करेंगे. यू विल गेट द हेल्प हाउ टू यूज़ एंड किस तरह से आपको हेल्प लेना है, राइट. अभी नेक्स्ट हमारा है कि अगर मुझे फाइल क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे. उसके पहले मैं आपको जो हमारा प्रीवियस था कि किस तरह से वीएम के मोड क्या हैं, तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि वीएम के मोड क्या हैं, ठीक है. तो सेकेंड टॉपिक था मोड्स ऑफ वीएम, राइट. सो अगर मैं वीएम के मोड्स की बात करूँ तो वीएम के जो मोड्स हैं वो तीन मोड्स हैं हमारे पास. फर्स्ट मोड कौन सा है आपका? कमांड मोड.
देन सेकेंड मोड आपके पास कौन सा है, इंसर्ट मोड. उसके बाद थर्ड मोड आपके पास कौन सा है, लास्ट लाइन मोड. क्लियर. सो अभी इन मोड्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं कमांड मोड के लिए. कमांड मोड है क्या एग्जैक्टली? सो ये एक इस तरह का मोड है जहाँ पे हम एक्शन लेते हैं फाइल के ऊपर. मतलब अगर यहाँ से हम जब आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो जो आपको इंटरफेस दिखता है फाइल ओपन होने के बाद, जो आपको पेज दिखता है उसे हम कमांड मोड बोलते हैं. ठीक है. सो वहाँ पे क्या होता है, आप उस मोड में आप फाइल नेविगेशन कर सकते हैं, आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अदर सिंपल कमांड्स लाइक इफ़ यू वॉन्ट्स टू डू अनडू रीडू. तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आप सिर्फ कमांड मोड में ही कर सकते हैं. राइट. तो ये सब मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी किस तरह से हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं. इवन अगर आपको नेविगेट करना रहेगा जैसे कि लेफ्ट एरो डाउन एरो, देन अगर आपको अप जाना है, ठीक है, राइट जाना है कैरेक्टर्स में लाइंस में, सो ये सब चीज़ें आपकी कमांड मोड में होती हैं. क्लियर. उसकी कुछ कमांड्स है जैसे कि आप जो आपके कीबोर्ड पे एरो है वो यूज़ करके आप अप एंड डाउन एंड इवन कुछ कीज मोड जैसे एच जे के एल, ये यूज़ करके आप अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं. क्लियर. उसके बाद इंसर्ट मोड है. सो इंसर्ट मोड में क्या होता है एग्जैक्टली कि इस मोड में हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं. जिसका मतलब क्या है कि आप उसमें अगर कुछ टेक्स्ट एंटर एडिट करना है या ऐड करना है आपको फाइल में, तो आप वो सिर्फ इंसर्ट मोड में कर सकते हैं. राइट. एंड आपको अगर आप अगर कमांड मोड में हो और अगर आपको इंसर्ट मोड में जाना है तो आपको आई प्रेस करना पड़ेगा फ्रॉम योर कीबोर्ड, देन आप इंसर्ट मोड में जा सकते हैं एंड देन आप अपने फाइल में कुछ जो टेक्स्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं. क्लियर. सो अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी आपने जो आपका एडिटिंग था वो आपने कंप्लीट कर दिया एंड इफ यू वांट्स टू गेट आउट फ्रॉम दैट मोड, सो उसके लिए आपको एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा फ्रॉम योर कीबोर्ड, देन आप इंसर्ट मोड से बाहर आ सकते हैं. क्लियर. सो उस तरह से आप इंसर्ट मोड आपका ऑफ हो जाएगा. क्लियर. सो नाउ मूव टू द लास्ट मोड, दैट इज द लास्ट लाइन मोड. सो लास्ट लाइन मोड क्या है? सो ये मोड जो हमारा है वो हम यूज़ करते हैं सेव करने के लिए फाइल्स को, या बोल सकते हैं क्विट करने के लिए फाइल्स को. इससे हम ओपन भी कर सकते हैं फाइल. ओके. सो इसके अलावा हम बहुत कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इस पर. जैसे कि आप सर्च करना चाहते हैं फाइल, अगर बहुत बड़ा फाइल है अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं इन द लास्ट लाइन मोड. एंड इवन आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर कुछ एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस मोड में आप वो भी कर सकते हैं. क्लियर. एंड अगर आपको रीड राइट के लिए यहाँ पे कुछ कमांड्स हम यूज़ करते हैं तो वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम कमांड्स को यूज़ करेंगे कमांड मोड में जो है, या इंसर्ट मोड में है, या जो भी लास्ट लाइन मोड में है, वो सब कमांड्स हम देखेंगे. ओके. सो नेक्स्ट था हमारा किस तरह से हमें फाइल्स को क्रिएट करना है. ठीक है. सो इसे हम देखते हैं अभी किस तरह से हम वी आई एडिटर में, विम एडिटर में फाइल्स को क्रिएट करेंगे. ठीक है. सो अभी ठीक है. सो विम एडिटर में फाइल्स क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे विम एंड उसके बाद आप फाइल का नाम देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ 45. ठीक है. सो अभी क्या होगा, अभी अगर आप मैं ls करती हूँ तो यहाँ पे कोई भी 45 नाम का फाइल नहीं है. सो विम लिखेंगे, 45 लिखा. ठीक है. अभी आपका फाइल क्रिएट हो गया. देखिए 45 न्यू फाइल. अभी ये जो मोड आपको दिख रहा है ये कौन सा मोड है, ये मोड आपका है कमांड मोड. यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो आप इस मोड में बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ठीक है. अगर मैं टाइप कर रही हूँ तो वो टाइप नहीं हो रहा है. क्लियर. लेकिन अगर आपको कुछ भी टाइप करना है इस मोड में आप सिर्फ नेविगेशन कर सकते हैं. यू कैन मूव लेफ्ट राइट अप एंड डाउन. ठीक है. अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो आपको इसके नेक्स्ट मोड पे जाना पड़ेगा जो कि मैंने आपको बताया. ठीक है. तो उसके बाद हमने जो एजेंडा लिखा था उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम इंसर्ट करेंगे डेटा इन द फाइल. तो हमें इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, आई. अभी नीचे देखिए आपको यहाँ पे आ गया इंसर्ट मोड. ठीक है. सो हम जो भी कंटेंट लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा.
ठीक है, आपको जो भी लिखना था आपने लिख दिया। देन अभी आपको यहाँ से इस फाइल को सेव करने के लिए आपको इस मोड से वापस आना पड़ेगा एंड आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप की। जैसे ही आपने एस्केप की प्रेस किया आपका जो कंटेंट है वो सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए आपको लास्ट लाइन मोड की कमांड्स डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स आती हैं, जैसे कि अगर आपको लास्ट लाइन मोड में डेटा को राइट करना है तो आप कॉलन टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे सेव द करंट फाइल एंड रिमेन इन एडिटर, वो एडिटर में ही रहेगा। उसके बाद आप एक्स कमांड को भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, सेव एंड क्विट द करंट फाइल। इससे क्या होगा, आपका जो ये सेव भी हो जाएगा आप क्विट भी कर जाएंगे। उसके बाद है क्यू ऑप्शन जो आप यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो सेव नहीं होगा, आप नॉर्मली इस फाइल से एग्जिट हो जाएंगे बट ये कंटेंट उस फाइल में आपको दिखेगा नहीं। उसके बाद है क्यू एक्सक्लेमेशन, अगर आप ये डालते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप क्विट कर जाएंगे एंड जो फाइल है वो इग्नोर करेगी जो भी अनसेफ चेंजेस है, आप नॉर्मली यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे बट कंटेंट अगेन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डब्ल्यू एंड फाइल, इसका मतलब क्या है, ये इस करेंट फाइल को सेव करेगा डिफरेंट फाइल नेम से, डब्ल्यू और जो फाइल लिखेंगे आप वैसे फाइल नेम से वो सेव हो जाएगा सेम फाइल, क्लियर। देन आता है आपका डब्ल्यू क्यू, इसका मतलब क्या है कि ये सेव करेगा एंड क्विट करेगा करंट फाइल को, ओके। उसके बाद एक और ऑप्शन है आर एंड फाइल नेम, अभी इसका मतलब क्या है, इससे क्या होता है फाइल आपका ओपन होता है, जो आप फाइल नेम यहाँ पे डालेंगे वो फाइल ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, नाउ आई वॉन्ट्स टू एग्जिट फ्रॉम हेयर एंड इवन मुझे ये फाइल में जो कंटेंट है वो मुझे यहाँ से सेव भी करना, तो आपको कॉलन प्रेस करना पड़ेगा, आपको राइट करने के लिए डब्ल्यू लिखना है एंड क्यू कर लिखेंगे तो आप क्विट हो जाएंगे, अदरवाइज आप एक्स ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा मैं यहाँ से क्विट हो गई, अगर मैं एलएस करूँगी, देखिए यहाँ पे 45 नाम का फाइल है। अगर आपको फाइल में कंटेंट देखना है आप नॉर्मली कैट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी उस फाइल के अंदर जो आपने कंटेंट ऐड किया था वो दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन विम के साथ आप कैसे ओपन करेंगे, सो विम आपका जो कमांड है वो आपका जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है उसे भी ओपन करने के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल विम डाल के मैंने फाइल नेम डाला तो जो एग्जिस्टिंग अगर वो फाइल नेम आपके सिस्टम में रहेगा तो वो ओपन होगा, अदरवाइज क्या होगा न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। सो अभी तो मेरे सिस्टम में 45 नाम का फाइल है लेकिन पहले नहीं था तो क्रिएट हो गया, क्लियर। अभी मैंने ये किया, अभी मैं कौन से मोड पर हूँ, नेविगेशन मोड पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अगर मैं एच डाल प्रेस करती हूँ तो क्या होगा, मैं टॉप ऑफ द स्क्रीन में पहुंच गई, ठीक है। अगर मैं एल प्रेस करती हूं तो क्या हो गया, मैं बॉटम ऑफ द स्क्रीन में पहुंच गई, ठीक है। अभी अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करती हूं तो वन वर्ड राइट चली गई, ठीक है, वन वर्ड अ वन लेटर नहीं। अगर मैं बी प्रेस करती हूं तो क्या हो गया, मैं वन वर्ड लेफ्ट चली गई, क्लियर। एच से क्या होगा, मैं टॉप स्क्रीन में पहुंच जाऊंगी, एल से क्या होगा मैं बॉटम स्क्रीन में आ जाऊंगी, डब्ल्यू से क्या होगा वन वर्ड टू वर्ड राइट मूव हो जाऊंगी, देखिए राइट में। अगर मैं बी डालूंगी, बी फॉर बस, तो क्या होगा, मैं लेफ्ट टू वर्ड लेफ्ट चली जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप अगर जीरो टाइप करेंगे ना तो आप क्या करेंगे, उस लाइन की बिगनिंग में पहुँच जाएंगे, जो करंट लाइन में आप हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप एरो कीज भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं ज़ीरो करती हूँ तो मैं जो करंट लाइन पे जिस भी लाइन पे हो ना वहाँ पे आप बिगनिंग में पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं आई प्रेस करती हूँ तो ऑब्वियसली आप आई इंसर्ट मोड में चले जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपर आई प्रेस करती हूँ तो करंट लाइन में आ जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका है जे, जिससे आप नेक्स्ट वन में चले जाएंगे। सो इस तरह से काफ़ी मोड हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इवन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो उसका कैसे है, सो फॉर एग्जांपल यू वांट्स टू कॉपी द कंटेंट, ठीक है। सो आपको ये वेलकम टू 45 आपको कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, आपको टू टाइम क्या करना पड़ेगा, वाई वाई, सॉरी मैं इस मोड पर हूँ, आप वाई वाई प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं अगर पी पी डालूंगी तो वो कंटेंट सेम क्या हो रहा है, पेस्ट होता जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे अभी डिलीट करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, डी डी प्रेस कर रही हूँ, ठीक है।
सो वो देखिए जो भी मैं डी डी प्रेस कर रही हूँ वो सेम लाइन वहाँ से डिलीट होती जा रही है। तो इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको कॉपी करना है तो वाई वाई आप प्रेस करेंगे टू टाइम तो आपका जो लाइन है वो कॉपी हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए पी पी एंड डिलीट करने के लिए आप टू टाइम डी डी प्रेस करेंगे तो आपका जो लाइन है वो डिलीट हो जाएगा। सेम आप अंडू भी कर सकते हैं, उसके लिए आप यू यू डालेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग आपने जो किया था वो अंडू हो जाएगा। क्लियर? सो इस तरह से आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। सो मैं एक बार आपको एग्जिस्टिंग फाइल में चेंजेस कैसे करने वो सब बता देती हूँ। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ ऐड करती हूँ। ठीक है, अभी मैं सॉरी एस्केप करती हूँ, इस मोड से वापस आई, मैंने क्यू किया एंड क्यू प्रेस किया, सॉरी क्यू एंड एक्सक्लेमेशन। सो क्या होगा, आपका जो मैंने ऐड किया था सी एच वो वहाँ पे फाइल में ऐड नहीं होगा, वो क्या होगा, वो यहाँ से रिमूव हो जा, मतलब वो अपेंड, मतलब वो डेटा आपके फाइल में सेव नहीं हुआ। सेव करने के लिए आपको W टाइप करना पड़ेगा एंड क्विट करने के लिए आपको Q टाइप करना पड़ेगा, तभी आपका वो फाइल में डेटा सेव होगा। अगर मुझे इंसर्ट मोड पे गई, सी एच डाला, एस्केप कॉलन, सो अभी देखिए आप एक्स भी डाल सकते हैं, नॉट इशू। आप देखिए वो आपका जो सी एच है जो मैंने डाला वो वहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप करंट फाइल और भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट मोड में गई, एस्केप W। अभी मैं चाहती हूँ कि एक और फाइल बन जाए डेमो। ठीक है, अभी एक और फाइल बन गया, एलएस करेंगे तो देखिए डेमो नाम का फाइल बन गया एंड उसके अंदर भी सेम कंटेंट आपको वहां पे दिख जाएगा। सो इस तरह से आप फाइल का, सेम फाइल का नया कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं W एंड फाइल नेम देके भी। सो ये था आपका कमांड मोड का कमांड्स जो हम लोगों ने देखा, किस तरह से हम कीज़ यूज़ कर सकते हैं अप एंड डाउन के लिए। देन हम लोगों ने देखा किस तरह से कट कॉपी पेस्ट करना है एंड उसके बाद ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम इंसर्ट मोड पे जाके अपना एडिटिंग करते हैं एंड उसके बाद मैंने आपको लास्ट लाइन मोड का कमांड बताया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमें अगर फाइल में कंटेंट ऐड करना है, सेव करना है तो किस तरह से सेव करेंगे, विदाउट सेविंग करना है तो किस तरह से फाइल, सेम फाइल क्रिएट करना है तो वो भी किस तरह से करेंगे। सो ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने विम एडिटर के बारे में देखा कि किस तरह से हम RHCSA में विम एडिटर को यूज़ करेंगे। सो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको इस सेशन में कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी डाउट है तो आप अपना जो डाउट है वो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। सो थैंक यू गाइज एंड रब रखा।